हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करने का टाइम आ गया है, तो अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पे नाम आता है अजिंक्य रहाणे का। दोस्तों, इस सीरीज में अजिंक्य रहाणे ने कुल 30 चौके मारे हैं। और दोस्तों, उन्होंने आधे से ज़्यादा चौके मेरे हिसाब से सेकंड टेस्ट मैच में ही मार लिए होंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई पांचवें की बात जो कि अजिंक्य रहाणे है। तो अब देखते हैं चौथे नंबर पर कौन है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे नाम आता है डिफेंसिव बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का। दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा ने इस सीरीज में कुल 29 चौके मारे हैं, जो कि दोस्तों एक टाइप से बहुत थोड़े से ही ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके किस मैच में मारे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके तीसरे टेस्ट मैच में मारे, क्योंकि दोस्तों जिसी टेस्ट मैच में उन्होंने 2 बार 50 बनाया था। तो ये है चौथे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा। तो अब देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे नाम आता है ऋषभ पंत का। उन्होंने इस सीरीज में कुल 30 चौके मारे हैं। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ने ये बहुत ज़्यादा मारे हैं। और दोस्तों, उन्होंने एक टेस्ट मैच खेलना नहीं था, तो दोस्तों अगर वो एक टेस्ट मैच खेले थे तो वो दूसरे नंबर पे भी हो सकते थे। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके किस टेस्ट मैच में मारे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके थर्ड टेस्ट मैच में मारे, क्योंकि उनका बेस्ट थर्ड टेस्ट मैच में ही था। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे नंबर पे एक नहीं बल्कि 2 बल्लेबाजों का नाम आता है, जिन्होंने कि कुल 36 चौके मारे हैं। और दोस्तों, उन दोनों बल्लेबाजों का नाम है ऋषभ स्मिथ और दोस्तों दूसरा युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। दोस्तों, ऋषभ स्मिथ ने कुल 36 चौके मारे हैं, इसलिए दोस्तों वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले बात कही जाए उन्होंने कौन से टेस्ट मैच पे सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से थर्ड टेस्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस टेस्ट मैच में एक सेंचुरी जड़ी थी और एक हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी। और दोस्तों, अगर अब हम लोग बात करते हैं शुभमन गिल की, तो दोस्तों शुभमन गिल ने भी कुल 36 चौके मारे हैं। और दोस्तों, अगर बात करी जाए कि उन्होंने कौन से टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके अपने डेब्यू सेकंड टेस्ट मैच में मारे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो उन्होंने उस मैच में पहली इनिंग्स में 7 चौके नहीं तो 8 चौके मारे थे दोनों इनिंग्स में, मतलब दोस्तों। दोस्तों, अब देखते हैं पहले नंबर पे कौन आता है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे नाम आता है मानुष लपुशाने का। दोस्तों, उन्होंने भी कुल 46 चौके मारे हैं। दोस्तों, अगर वो 4 चौके और मार लेते तो उनके पूरी सीरीज में 4 अशतक हो जाता चौकों का। तो दोस्तों, अगर हम लोग पहले बात करते हैं कि उन्होंने कौन से टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से उन्होंने 4 टेस्ट मैच में ही सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं,
क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले इनिंग में शतक बनाया था और दूसरे इनिंग में 5 चौके मारे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट पे जरूर बताएं कि आपका इनमें से सबसे फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है।